हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड। हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं पॉलीनोमियल्स। टुडे वी आर कंटिन्यू डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, सेकेंड पार्ट पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वन बाय वन डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। हियर फर्स्ट 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोफिशिएंट कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगेन बता देते हैं हम कोफिशिएंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स के जो मल्टीप्लाई के नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। लेकिन हमें कोफिशिएंट किसका बताना है, ओनली एक्स स्क्वायर का। इट मीन्स एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, यहाँ पर 1। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस 1 या फिर 1। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है, जिसका कोफिशिएंट पूछे उसके मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, वो नंबर हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हियर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अब देखिए एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है हमारे पास, पाई अपॉन 2। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट होगा पाई अपॉन 2 आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। फर्स्ट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड y माइनस 4 माइनस y स्क्वायर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिग्री क्या होती है, जो एक्सपोनेंट इट मीन्स पावर, मैक्सिमम पावर होती है वही हमारी क्या होती है, डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x, और x की जो मैक्सिमम पावर है इसमें 1 है, इसमें कितनी है 2, और इसमें कितनी है पावर 3। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इस पॉलीनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। हेयर वेरिएबल इज एक्स एंड इट्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट इट मीन्स पावर, पावर इज 3। सो डिग्री 3 आंसर। ओके, तो आपको डायरेक्टली ये याद होना चाहिए, जो गिवन पॉलीनोमियल है हमारे पास उसमें सबसे पहले हम वेरिएबल देखेंगे, फिर उस वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर है उसको देखेंगे, तो वही डिग्री होगी उसका। सेकंड क्वेश्चन 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप डायरेक्टली कह सकते हो, इसमें वेरिएबल क्या है, वाई, सिंगल वेरिएबल है, y की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2। हियर वेरिएबल इज y एंड इट्स मैक्सिमम एक्सपोनेंट मीन्स पावर, एक्सपोनेंट मीन्स पावर, पावर बोल सकते हो आप इसे, इज 2। कितनी है मैक्सिमम पावर वेरिएबल y की, 2। सो इट्स डिग्री 2 आंसर। ठीक है, तो डिग्री फाइंड कैसे करते हैं, गिवन पॉलीनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है वेरिएबल की वही क्या होती है हमारे पास, डिग्री होती है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल। लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलीनोमियल हमें बतानी है इसमें। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यूब, थर्ड वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो वन बाई वन देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। वेरिएबल हमारे पास क्या है, एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2। इट मीन्स इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस पार्ट को, सेकंड, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एक्स माइनस एक्स क्यूब, सेकंड हमारे पास एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए वेरिएबल एक्स है, पावर मैक्सिमम कितनी है इसमें 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3, तो डिग्री 3 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, किस टाइप की पॉलीनोमियल होगी वो, क्यूबिक, सो इट इज क्यूबिक पॉलीनोमियल। थर्ड पार्ट देखते हैं, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। सबसे पहले इसकी डिग्री फाइंड करते हैं। अब तो आपको पता लग ही गया होगा वेरिएबल y है इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी 2, तो ये भी किसका पार्ट होगा, डिग्री 2 होती तो क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होता है, कोई पॉलीनोमियल हमारे पास पी एक्स, फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x प्लस 2, कोई पॉलीनोमियल हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो जीरो जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल क्या होते हैं, गिवन पॉलीनोमियल को हम जीरो के इक्वल करके वेरिएबल की जो वैल्यू फाइंड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो गिवन पॉलीनोमियल हमारे पास पी एक्स है, इसको हमने किसके इक्वल किया, जीरो के, क्योंकि जीरो ऑफ ए पॉलीनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, गिवन पॉलीनोमियल को जीरो के इक्वल करके, तो हम इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं। हियर implies that it means 3x² plus 5x plus 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। 0 पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए गिवन पॉलीनोमियल को 0 के इक्वल करके उसकी जीरोस हम फाइंड करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है हमारे पास, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर, तो हमारे पास जीरोस फाइंड हो जाएंगे। तो कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग पावर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, पहले से ही अरेंज है, मैक्सिमम पावर 2 फिर 1 वेरिएबल की, फिर वेरिएबल की पावर 0, तो ये पहले से अरेंज है। तो फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर साइड में 3x² प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6x² 3 2 6x² स्प्लिट द मिडिल टर्म क्या होती है, प्लस 5x। मिडिल टर्म्स के टू पार्ट्स ऐसे करेंगे हम कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6x² आना चाहिए और प्लस और माइनस करने पर प्लस का 5x आना चाहिए। तो हमारे पास 5 के दो पार्ट्स 3 एंड 2 और इसके साथ क्या लग रहा है, x x। अब देखिए साइन हमें ऐसे यूज करना है कि प्लस का 5x चाहिए, तो दोनों के साथ प्लस का हम यूज कर लेंगे, इट मीन्स प्लस का 3x एंड प्लस का 2x। एड करके चेक करें, प्लस 3x प्लस 2x प्लस का 5x, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 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 का 3 2 6 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 5x के टू पार्ट, प्लस का 3x और प्लस का 2x। तो इसको राइट कर देते 5x की जगह 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन पार्ट्स को आप आगे पीछे अरेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस 2x को पहले लिख दो प्लस 3x को बाद में लिख दो, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो आप देखिए ये पेयर बन जाएंगे इस पेयर में और सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर है सेकंड पेयर। फर्स्ट वाले पेयर में 3x कॉमन आ रहे हैं, 3x कॉमन ली, जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसी का डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स को राइट करते हैं। 3x स्क्वायर में 3x का डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 1x से 1x कैंसिल, तो क्या बचेगा ओनली 1x प्लस 3x में 3x का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स प्लस, ऐसे यहां पर कॉमन देखेंगे प्लस 2 कॉमन, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी का डिवाइड करके रिमेनिंग पार्ट्स को हम अंदर राइट करके लिखते हैं। 2x में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इसी में भी और इसमें भी, तो कॉमन ले लेंगे x प्लस 1, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ही 0 के इक्वल है, इट मीन्स ये सेपरेट भी 0 के इक्वल होगा, इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 0 देयर एंड 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस के 1 को अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1, तो फर्स्ट हमारे पास 0 x इक्वल टू माइनस 1, 3x प्लस के 2 को अगर ट्रांसफर करेंगे माइनस 2 एंड x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन सेकंड 0। तो जितनी हमारे पास डिग्री होती है पॉलीनोमियल की उतने 0 हमारे पास फाइंड होते हैं। ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास इक्वेशन, इसकी डिग्री 2 है तो 2 जीरोस फाइंड होते, क्यूबिक होती तो 3 जीरोस फाइंड होते हमारे पास, ऐसे 100 तो लीनियर में 1 डिग्री 1 है तो 1 जीरो फाइंड होते। अब देखिए इसको जीरोस क्यों बोलते हैं, इसको हम चेक करते हैं इधर कि जीरोस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज हमारे पास आई है वेरिएबल उसको अगेन क्वेश्चन में पुट करने पर 0 के इक्वल उसकी वैल्यू आएगी। जैसे x इक्वल टू माइनस 1 को इस क्वेश्चन में मैं पुट कर दूंगा तो 0 दे, ऐसे x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 x की जगह मैं माइनस 2 अपॉन 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा 0, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं जीरो। जैसे एक चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 में क्या पुट करना है हमें x इक्वल टू माइनस 1 पुट करके चेक करते हैं, 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 प्लस 2, 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 प्लस माइनस माइनस 5 1 जब 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 2। अब देखिए प्लस का 3 एंड प्लस का 2 ये हो गया हमारे पास प्लस का 5 और माइनस का 5 है ही हमारे पास, 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, देखिए यहाँ पर 0 आ। तो जितनी भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे पॉलीनोमियल कुछ भी हो वैल्यू फाइंड करेंगे वापस क्वेश्चन में पुट करने पर वो 0 देगा, तो इससे आंसर हमारा चेक भी कर सकते हैं हम, ये शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास आंसर चेक करने की। और 0 क्यों बोलते हैं ये हमने देख भी लिया इस केस में।